सरेंडर। बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि हमें कोई डाउट नहीं है, सरेंडर करना भी चाहते हैं, पर हम क्यों शरणागत नहीं हो पाते, ये इनका प्रश्न है। देखो जब तक प्रश्न है तो शरणागत नहीं है, डाउट है ही है। अब आपको बताते हैं, जैसे आपकी माता जी बहुत दर्द में हो और हार्ट ऑपरेशन हो, आपका एक रुपये भी नहीं और आपको 12 लाख रुपए चाहिए और आपको पता हो कि यही दे सकते हैं, तो आपकी शरणागति का क्या स्तर होगा? चरणों में सिर्फ पड़ जाओगे, बस दे दो, पता यही देंगे और कोई नहीं देंगे, तो आपको पता चल जाए राधा रानी के किंकरी गुरु रूप में प्रकट है आपके सामने। वो ये करने के लिए ही आए, देने के लिए ही आए हैं जो आपको चाहिए, तो बिना विचार के आपको पता है जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो ये देगा, सिर्फ इन्हीं से मिलेगा, जो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा जो मिलना है। तो शरणागत तो नेचुरल होता है, जब भी विश्वास नहीं कि जो मिलना है इनसे, तो संशय आत्मा तो भगवान गीता में बताते हैं कि विनश्यति। जब विश्वास हो जाए जो मिलेगा मुझे यहीं से मिलेगा, तो शरणागत तो एक खेल है सर। शरणागत मतलब तो प्रश्न ही नहीं है शरणागत का, वो प्यास लगी है जिसके पानी है शरणागत हो जाओगे ना, पानी पीना ही पीना, उसके बिना मैं आई कांट लिव। ये मंत्र प्राप्त हुआ है राधा प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जो मेरे गुरुदेव हैं वो राधा रानी की प्रिय मंजरी हैं, प्रिय सखी हैं, दासी हैं, राधा रानी की प्रिय सखी। तो हमें समझ आ जाए कि हमें कौन प्राप्त है, हमारा वार्तालाप या दर्शन किन का होता है, राधा रानी की सखी का। जब ये हमारे को दृढ़ में शास्त्रीय श्रद्धा है, ये कोई मानसिक श्रद्धा नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा, तो ये श्रद्धा हो जाएगी तो रोम रोम समर्पित हो जाएगा। अभी हम बोलेंगे गुरुदेव अब आगे कर दो, अभी गर्दन काट के दे दें, रोम रोम समर्पित है। क्यों? मुझे पता है मुझे क्या प्राप्त हो गया, मुझे राधा नाम चाहिए, मुझे राधा ने के लीला में प्रवेश चाहिए, मुझे उनके प्रिय सखियों का संग चाहिए, वो सब मुझे जो प्राप्त होगा इन्हीं राधा प्रियाय धीमहि गुरुदेव से प्राप्त होगा, वो सब मुझे जो प्राप्त होगा इन्हीं राधा प्रियाय धीमहि गुरुदेव से प्राप्त होगा, वो सब मुझे जो प्राप्त होगा इन्हीं राधा प्रियाय धीमहि गुरुदेव से प्राप्त होगा। हमें वह दृढ़ विश्वास हो जाए तो रोम रोम समर्पित है, प्राण हाथ में ले डोलते हैं, आप आज्ञा तो करो, अभी देने को तैयार, हाथ में ले डोल रहे हैं प्राण साधक। कौन साधक? जिन्हें दृढ़ विश्वास है मेरे गुरुदेव साक्षात हरि राधा रानी की सखी, जो मर्जी मांग, बहुत सारे समर्पण किए, भीतर के समर्पण किए, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, पर अपने आप से समझ नहीं आया क्योंकि ग्रंथ बुद्धि का विषय नहीं है। जैसे भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, ग्रंथ बुद्धि का विषय नहीं है, ग्रंथ बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि ग्रंथ कृष्ण स्वयं है ना, भेद नहीं है ना कृष्ण में और ग्रंथ में। कृष्ण बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, ना तत्र वाग गच्छति ना मन गच्छति ना मना, ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति ना मना, ना वहां आंख जाती है, ना वाणी जाती है, ना मन जाता है। ग्रंथ जो है वो प्रकाशित होते हैं हृदय में। कैसे प्रकाशित होते हैं, कौन बताएगा श्लोक? ग्रंथ कैसे प्रकाशित होते हैं? यस्य देवे पराभक्ति तस्य प्रकाशन्ते, ये प्रकाशित होते हैं, ये समझे नहीं जाते, ये प्रकाशित होते हैं। अब आपको कैसे बताएं, ये ऐसे प्रकाशित होते हैं, आप करना कुछ और जा रहे हो, अंदर आपको बोलते रहे, बोलते रहे, मतलब गुरु भगवान इतने संतुष्ट जाते हैं कि आपको छोड़ते नहीं है, फिर अगर आप संतुष्ट हो बस आपको बोलते रहे, आप कर कुछ रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो टॉयलेट, वो अंदर पता नहीं क्या क्या डाउनलोडिंग हो गई, घुसे जा रहे, बिना मांगे, बिना पूछे, बिना कहे। हरि गुरु जब तुष्ट होते हैं तभी ग्रंथ हृदय में प्रकाशित, नहीं तो नहीं प्रकाशित हो सकते।
সম্ভব নেই। রঘুনাথ স্বামী কো বতা থা মহাপ্রভু নে ভাগবত পড়িয়া বৈষ্ণবের স্থানে ভাগবত কাজ করো বৈষ্ণব কে চরণ মে পড়ো বৈষ্ণব চরণ এস প্রকার শ্লোক क्यों बोला गया? क्योंकि वो तो गोसाई नित्य सिद्ध मंजर ही है। क्यों बोला गया? क्योंकि जो रहस्य होता है ग्रंथों का वो कहाँ पे होता है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। जो धर्म का तत्व है वो महापुरुषों के हृदय में रहता है, और कहीं रहता ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं चरण में बैठ के सीखो। यदि वह तुष्ट हो गए जो शरणागत है उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, ये प्रकाशित हो। ये हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते कि ये प्रकाशित ही हो सकता है। ये कोई श्लोकानुवाद नहीं बोल रहे हूँ कि हाँ धर्म से तत्व में, ये हमें मालूम है। प्रकाशित होगा तो पूरा सब कुछ सब खुल जाएगा।